बड़े मार्कों के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का आज फिर से सजेगा मैदान। बोर्नमाउथ और टोटेनहम के दरमियान जोड़ पड़ेगा। ब्रेंटफोर्ड और क्रिस्टल पैलेस की टीमें मैदान में उतरेंगी। आर्सेनल और फुलहैम का टाकरा होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट में जीत के लिए जंग छिड़ेगी। एवर्टन और वुल्व्स की टीमें एक दूसरे से टकराएंगी। ब्राइटन और वेस्टहैम में मुकाबला होगा। टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप के पहले रोज पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। सिंगल मुकाबलों में पहली और दूसरी पोजीशन सऊदी खिलाड़ियों की रही, जबकि तीसरी पोजीशन पाकिस्तान के नासिर अब्बास के नाम रही। टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, उर्दन, ओमान और यमन की टीमें शामिल हैं। कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शिरकत के लिए भी कामयाब हो गए। हंगरी में जारी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने 86.79 मीटर थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सऊदी प्रो लीग का सनसनीखेज टाकरा अल हिलाल के नाम। अल हिलाल ने अल रायद को 4 गोल से चित कर दिया। अल इत्तेहाद ने अल रियास को 4 गोल से नॉकआउट किया। हंगरी में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहब्बत बाजी ले गई। स्लोवाकिया से ताल्लुक रखने वाले एथलीट्स कोई मेडल तो ना जीत सके, लेकिन एक दूसरे के दिल जीत कर मंगनी कर ली। डोमिनिक सरनी ने हाना बुर्जालोवा को रेस के अख्तितम पर अंगूठी पहना दी।